खुशियों भरी ईद उल अजहा पर करिया करिया शहर शहर गांव गांव नमाजे ईद के इस्तेमाल। नमाज के बाद लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिले। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। किसी को कसाई मिल गया तो कोई अब तक तलाश में सरगर्दम। भारत बांग्लादेश श्रीलंका समेत जनूबी एशिया में बसने वाले मुसलमान भी आज ईद उल अजहा मना रहे हैं। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप और अमेरिका में ईद का दूसरा रोज। ईद उल अजहा इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी और भाईचारे का पैगाम देती है। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ के पैगाम, कौम को ईद की मुबारकबाद। कोने पे खड़े हुए थे, हेलमेट पहने हुए, पुलिस की वर्दी के तरीके का लिबास था या पुलिस की वर्दी थी। काफी दूर से मैंने उन्हें देख लिया था तो मुझे देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कराची के इलाके बफर जोन में नमाज ईद के बाद MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार पर कातिलाना हमला। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली महफूज रहे। हमला आवरों की फायरिंग से एक पुलिस अहलकार और एक बच्चा जहां भाग, चार अफरा जख्मी। आज न्यूज ने वाकये की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। आज इससे लेडी ख्वाजा की मीडिया से गुफ्तगु। हमलावरों के आगे जाके तैमूरिया की एक पुलिस पार्टी के साथ इनकाउंटर हुआ है और जिसमें एक हमलावर फौत हो गया। अब हम उसकी शनाख्त के लिए कोशिशें हैं। फारूक सत्तार कहते हैं ख्वाजा इजहार पर हमला अमन तबाह करने की साजिश है। सिक्योरिटी फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत बरी जिम्मा नहीं हो सकती। कराची को लावारिस बनाकर छोड़ दिया गया। खुर्शीद शाह की भी हमले की मजम्मत, कहा वाकये की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। टीजी रेंजर सेक्टर कमांडर और PTI रहनुमा इमरान इस्माइल की बफर जोन में ख्वाजा इजहारुल हसन के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल कहते हैं ख्वाजा इजहार की सिक्योरिटी नाकिस होने के इल्जाम गलत है, तहकीकात के लिए फौरन हुक्म दे दिया था। अमरीका के लिए पाकिस्तान को टारगेट करना आसान नहीं। अमरीकी क़यादत की तरफ से दिए गए बयानात इब्तदाई नौइयत के हैं। हमारा दिफा मजबूत है, ये अमरीका को भी मालूम है, वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर। मुखालिफीन को इलेक्शन में पता चल जाएगा, आवाम नवाज शरीफ के साथ है। परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत सियासतदानों ने नहीं दी। सियासतदानों पर कीचड़ ना उछाला जाए, आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगु। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं पैनामा स्कैंडल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पहला सुतून गिरा है। कर्जे माफ कराने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए, बैरूने मुल्क मौजूद मुलजिमान को वापस लाया जाए। कराची के इलाके शेरशाह में करंट लगने से चार मजदूर जां बहक। शिकायत पर के इलेक्ट्रिक का अमला तार ठीक करने नहीं आया, हादसे के बाद पहुंचा इलाका मकीन।